हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये बनाने वाले हैं। तो कोड समझने के पहले कुछ एसेट्स हैं और आउटपुट भी थोड़ा समझ लेते हैं। एसेट सिंपल है कि एक आप 1 मिनट का ड्यूरेशन का एक कोई भी वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, वो क्योंकि वीडियो हमें प्ले करना है। और थोड़ा आउटपुट समझ लेते हैं। आउटपुट में मैं सेम वीडियो को यहाँ 3D क्यूब में 3 बार प्ले कर रहा हूँ और सेम वीडियो पीछे बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है, पर पीछे बैकग्राउंड हमने ब्लर रखा है। तो आइए कोड समझते हैं। सबलम टेक्स्ट एडिटर में HTML और CSS फाइल में ओपन करूँगा। इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया है, हमने प्योर HTML और CSS यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं HTML काफ़ी छोटा है और सिंपल है, तो पहले वो समझ लेते हैं। सिंपल है, पहले CSS को लिंक करना पड़ेगा, किया गया है। फिर बॉडी में मैंने सेक्शन क्रिएट किया है, उस सेक्शन के अंदर ही सब कुछ है। तो जो पीछे बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है वो यहाँ पे, वो वीडियो यहाँ पे, तो ये पीछे बैकग्राउंड में जो प्ले हो रहा है यहाँ पे। फिर हमने एक डिविजन क्रिएट किया है और उसको क्लास दिया है बॉक्स नाम करके, क्योंकि हमें उस पर CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो एक और डिविजन हमने क्रिएट किया है जिसमें 3 स्पैन हमने क्रिएट किए हैं और 3 स्पैन के अंदर हमारे सेम वीडियोस हैं। अब आप कुछ देखेंगे कि वीडियो एक तो लूप में है, दूसरा म्यूटेड है और ऑटो प्ले है। इसके लिए जितने बार आप आउटपुट देख रहे हैं, आउटपुट में कोई आवाज़ नहीं क्योंकि म्यूटेड है। बार बार वो चलता रहेगा, लूप में है और ऑटो प्ले, मतलब क्लिक स्टार्ट या आपको स्पेस बार नहीं प्रेस करना है, वो अपने आप चलता रहेगा। तो ये था पूरा HTML। आइए CSS समझते हैं। CSS में देख सकते हैं कि ये स्टार जो HTML पे पूरे अप्लाई होता है उसके अंदर जो भी लिखा है, तो मार्जिन 0, पैडिंग 0 ये हम हर उसमें करते हैं, और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। फिर ये जो कलर देख रहे हैं ये ब्लैक कलर है, तो पूरे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर आ जाएगा। सेक्शन जो हमने क्रिएट किया था, तो सेक्शन में पोजिशन रिलेटिव विथ 100% हाइट, VH एक टाइप का साइज है, जैसे EM हुआ, पिक्सल्स हुआ, वैसे VH भी एक हाइट है। फिर हमने एक डिवीजन में जो क्लास बनाया था डॉट बॉक्स, तो उसको कॉल किया है, उसमें पोजीशन एब्सोल्यूट विथ हाइट, तो आपको समझ ही रहा है। ये वाला जो पार्ट है ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D, तो इसे 3D में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं टॉप CALC, तो ये है कैलकुलेट 50% माइनस 200 पिक्सल्स। इसका मतलब समझे कि टॉप से 50% समझो 300 होगा, तो 300 माइनस 200 100 पिक्सल्स, तो टॉप से 100 पिक्सल्स नीचे आना है, इसका ये मतलब है। सेम चीज़ अप्लाई होता है लेफ्ट पे। फिर नेक्स्ट जो बॉक्स के अंदर भी हमने जो डिवीजन बनाया, ये रहा बॉक्स का एक डिवीजन, उसके अंदर जो डिवीजन बनाया उसे हम लोग CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे कॉल करते हैं। उसमें टॉप लेफ्ट 00 विथ और हाइट 100% है, सेम उसे भी हम लोग 3D को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो अंदर 3 हमने स्पैन क्रिएट किए हैं उन्हें ये पूरा का पूरा 3D बना के लोकेशन पे ये करता है, नॉट एग्जैक्ट लोकेशन पर 3D वो कन्वर्ट करता है। तो रोटेट x माइनस 20 डिग्री, रोटेट y 25 डिग्री, ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू हैं और उन्हें ये 3D में कन्वर्ट कर रहा है। ट्रांसलेट 3D, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और बट ऑब्वियस है कि z कोऑर्डिनेट भी आएगा, तो ये सब कैलकुलेटेड है, आपको भी सेम रखना है। फिर उसके अंदर जो स्पैन है, तो ये सारे इंडिविजुअल स्पैन पे अप्लाई होने वाला है, सेम चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 000.1, तो ये 0.1 जो है वो ओपेसिटी है, और 000 ब्लैक कलर है, तो ये इतना लाइट होगा कि लगभग ना के बराबर दिखाई देना ये बॉर्डर, बिकॉज ये 1 पिक्सल्स भी और ओपेसिटी भी काफ़ी कम है। और फिर हमने बैकग्राउंड कलर CCC दिया, तो ये ग्रेइश कलर है, लाइट ग्रे कलर है, आप चेक कर सकते हैं। फिर सेशन में, बॉक्स में, डिवीजन में, स्पैन में जो वीडियो हमने रखा है वो चीज़, मतलब ये वो वाला वीडियो है जो स्पैन के अंदर है, स्पैन के अंदर 3 वीडियो है, तो ये जो सारी चीज़ें 3 वीडियो पे अप्लाई होगी। इतना तो आप भी समझते हैं, सिंपल क्या है। ऑब्जेक्ट फिट कवर ये क्यों करना है, समझ लीजिए कि आपका वीडियो बड़ा है और आपने जो बॉक्स क्रिएट किया है, क्यूब क्रिएट किया है, वो छोटा है, तो उसमें फिट बैठने के लिए ये वाला प्रॉपर्टी हम CSS का यूज़ करते हैं। और फिल्टर ब्लर 0 पिक्सल्स, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी तो हमने वो 0 पिक्सल्स दिया या 0% दिया है। नेक्स्ट, सेक्शन के अंदर जो वीडियो जो बैकग्राउंड में चल रहा है उसमें पोजीशन एब्सोल्यूट, मतलब फिक्स पोजीशन, टॉप लेफ्ट 00 विथ हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर ऊपर वाला सब कुछ सेम ही है। नीचे फिल्टर ब्लर 20 पिक्सल्स, आप देख सकते थे कि पीछे बैकग्राउंड वो ब्लर था, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे वो दिया हुआ, तो इस लाइन की वजह से वो थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ब्लर ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। फिर हमें अलग अलग
क्यूब में अलग अलग वीडियो, सेम वीडियो है पर उसे अलग अलग डायरेक्शंस में प्ले कर रहे हैं और वो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो उन्हें कैसे एक्सेस करना है, तो nth चाइल्ड से हम ये करेंगे, nth चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाले को हम अलाइन कर रहे हैं रोटेट एक्स पे 0 डिग्री, और फिर ये वाला हम 3D उस पर अप्लाई कर रहे हैं 200 पिक्सल जेड एक्सेस पे। फिर सेकेंड वाले पे हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं -200 और उसे Y पे 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। पर और एक आप देखेंगे, और एक बार मैंने यहाँ पे रोटेट Y पे 180 किया है, तो हमने दो बार सेकेंड वाले चाइल्ड पे प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई किए वो मैं आपको अभी आउटपुट से क्लियर करता हूँ। तो ये वाला है सेकेंड वाला चाइल्ड, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले का वो मिरर इफेक्ट है क्योंकि हमने उसे 180 डिग्री रोटेट किया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अभी सब कुछ इवन आपको लग रहा है, इवनली सब कुछ प्लेस्ड है, अगर आप उसे 180 डिग्री नहीं करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और वो थोड़ा ऑड मैन आउट लगता है। बस यही था सिंपल रीजन उसको 180 डिग्री रोटेट करने का। फिर नेक्स्ट है कि थर्ड चाइल्ड को भी हमने उसका लोकेशन पे, ये कि आपको ध्यान देना कि कुछ जगह पे वाई है मैंने वाई पे रोटेट किया, कुछ जगह पे एक्स पे, ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी ये सेम वैल्यूज को ही यूज़ करें। और ये था कंप्लीट CSS और ये था HTML और ये रहा उसका आउटपुट, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कुछ नहीं समझा तो नीचे कमेंट करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। अगर आपने अभी तक कोड विद एनएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टा का लिंक डाल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो करिए, वहाँ पर आने वाले वीडियोज़ के मैं अपडेट डालता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय।